क्वेश्चन नंबर 11.17, नंबर ए, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूटन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगलीज वेवलेंथ बी 1.40 × 10⁻¹⁰ मीटर। इसका सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूटन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर हैविंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT एट 300 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे जानते हैं ना के होता है क्या, के जो है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो क्या होता है आर अपॉन एन ए, आर मतलब क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन ए मीन्स एवोगाड्रोस नंबर। तो 8.314 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10³, तो 10³, तो ये आ जाएंगे 1.38 × 10⁻²³ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आ जाएगा। मतलब तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, इसका वैल्यूज यहाँ पे दिया नहीं है, के का वैल्यूज के टी, ओके, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अभी चेक कर लेते हैं कैसे करके सॉल्व किया। लैम्डा इक्वल्स टू 1.410⁻¹ मीटर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तो एच अपॉन अंडर रूट 2 mK, लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 mK, के इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 lambda square m, ओके, वैल्यूज पुट कर दिया 196 × 32, दैट इज 3.6272 × 6 तो वैल्यूज आ गई। होने के बाद इट विल बी 6.686 × 10⁻²⁰ जूल। आंसर तुम्हारा रहा है 6.9 × 10⁻²⁰ जूल। और इन सेटिंग में सर इसका आंसर क्या दिया चेक कर लेता हूँ, 6.68 × 10⁻¹⁰ हो गया, 59 हाँ, इसमें जैसे 6.94 आ रहा है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी के साथ मैच कर जाता है 6.6 अप्रॉक्सीमेट। एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यूज पुट किया ना 1.677 होता है, तो 1.7 ले लो, नहीं तो 1.67 ले लो, तब हो सकता है इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा।
ओके ठीक है, तो इस जगह पे आंसर थोड़ा डिफर कर रहा है, तो चेंज कर लेना। और भी जो बच्चे अभी ये क्वेश्चन नहीं किया जब सेंड करोगे तो यहाँ पे 1.66 1.677 वैल्यूज ले लेना। उसके बाद बी पार्ट जो है के इक्वल टू 3/2 के टी, के इक्वल टू 1.38 × 10⁻², ठीक है, टी इक्वल टू 300 केल्विन, मास जो है सेम वही चीज़ पुट किया अभी, काइनेटिक एनर्जी पहले उसको पुट करोगे, पुट करके (10⁻²⁰ meters। हाँ इसमें भी यहाँ पे भी सेम चीज आई थिंक सेम प्रॉब्लम आएगा, दैट इज 1.67 ऐसे लोगे तो उसमें आंसर करेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है 1.58, लेकिन एनसीईआरटी में जो पावर तो सेम है 1.58 अप्रोक्स आ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है दैट इज 1.45। ओके तो इसीलिए इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस कर देना, जो मास जो है 1.67 ले लेना। इसके बाद जो भी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे मास जो है 1.6 × 10⁻²⁷ के जगह पे 1.677 ले लेना, ठीक है, आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है।